अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। क्यों होगी कास्ट किसने लिखे फिल्म के डायलॉग्स? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियो। मैं पूजा मुझे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 फिल्म से जुड़े कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको भी पता चले कि आखिर फिल्मी दुनिया में पक क्या रहा है। जिंदगी कितनी ही बेरहम क्यों ना हो, जीना तो पड़ता है मैडम जी, जीना तो पड़ता है। भाई सनी देओल का ये डायलॉग सुनकर मुझे बस एक ही चीज कहने का मन करता है कि इंतजार कितना ही तरसाने वाला क्यों ना हो, गदर के सीक्वल के लिए करना तो पड़ता है साहब, करना तो पड़ता है। ज्यादा हो गया क्या? छोड़ो, वो भी क्यों ना, भाई गदर फिल्म है ही कुछ ऐसी कि उसके लिए इंतजार तो बनता ही है। वैसे हमें तो पता ही है कि दोनों मुल्क में भारत और पाकिस्तान कितना ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, और ऐसे सिचुएशन में अनिल शर्मा ने जिस तरह मूवी को डायरेक्ट किया है वो वाकई में लाजवाब है। अब देखो, कितनी भी कोशिश कर लो, किसी न किसी के सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं तो हर्ट हो ही जाते हैं, मगर गदर फिल्म की सक्सेस को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ही कम लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और फिल्म हिट हो गई। सियासतें बदल गई, वतन के नाम बदल गए, मगर दिलों के जज्बात तो नहीं बदले जा सकते ना। भाई मैं क्या ही बोलूं इन डायलॉग्स के बारे में। जो हमारे भारत और पाकिस्तान की कंडीशन है वो नजर में रखते हुए ऐसे न्यूट्रल डायलॉग लिखना वाकई में मुश्किल काम है, मगर इस काम को इस फिल्म के राइटर शक्तिमान तलवर ने कर दिखाया। इतना तो पक्का है कि गदर की टीम और कास्ट अगर वही रिपीट होने वाली है तो हमें गदर 2 में भी कुछ इसी तरह के जबरदस्त डायलॉग सुनने को मिल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो फिल्म की शूटिंग लगभग खत्म ही होने वाली है और इतना भी कंफर्म है कि फिल्म हमें आने वाले दिसंबर में दिखने वाली है। और अगर नहीं भी होती है तो हमें तो पता ही है कि देशभक्ति पर जो फिल्में आधारित होती है उनके लिए 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त यही डेट्स होती है। मगर अब 15 अगस्त तो नहीं मगर 26 जनवरी डेट हो सकती है अगर आने वाले दिसंबर में फिल्म रिलीज नहीं होती है। वैसे आप गदर के कौन से डायलॉग के दीवाने हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो चलिए जल्दी मिलते हैं और नए गॉसिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।